सुनो अम्मा, मैं और अभिषेक ना पास के गांव में लगे हाट तक जा रहे हैं। हाँ, निखिल ने अपनी अम्मा सावित्री जी को आवाज लगाते हुए कहा। इससे पहले कि सावित्री जी कुछ कहती, निखिल अपनी गाड़ी से फुर्र हो चुका था। निखिल और अभिषेक दोनों एक ही गांव के निवासी थे और बचपन के दोस्त भी। एक दुर्घटना में अभिषेक के परिवार वालों के गुजर जाने के बाद निखिल के परिवार ने ही उसे पाला था। उन दोनों के जाने के थोड़ी ही देर बाद निखिल के पिता यशपाल जी घर पहुंचे। अरे, दोनों बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे, बाहर उनकी गाड़ी भी नहीं है, यशपाल जी ने सावित्री जी से पूछा। सावित्री जी ने उन्हें पानी का गिलास देते हुए कहा, अजीब, वो पास के गांव में कोई हाट लगा है ना, वही देखने गए हैं। ये सुनते ही यशपाल जी परेशान हो गए। उन्हें बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए देखकर सावित्री जी भी परेशान हो गई। हिम्मत करके उन्होंने अपने पति से इस बेचैनी की वजह पूछी तो यशपाल जी बोले, वो दोनों तो बच्चे हैं, पर तुमको तो समझ नहीं आती, शाम ढले उन्हें जाने देने की क्या जरूरत थी तुम्हें। अजी, वो मैं जब तक आकर उन्हें मना कर देती तब तक तो वो जा चुके थे, सावित्री जी ने धीमे स्वर में कहा। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने यशपाल जी से कहा, आज तक आपने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन देखो, आज मैं सच जानना चाहती हूँ। कौन सा सच? यशपाल जी ने चौंक कर अपनी पत्नी की तरफ देखकर पूछा। यही सच कि आज हम पूरे 20 सालों के बाद दिल्ली से यहाँ आए हैं, क्योंकि बच्चों की जिद थी गांव देखने की, लेकिन यहाँ आकर भी हमारे गांव ना जाकर मेरे मायके के गांव में ठहरे हुए हैं। हमारे अपने गांव का आप कभी नाम तक नहीं लेते, यहाँ अम्मा बाबूजी से पूछा तो वो भी कुछ बताते नहीं। आखिर वहां की हमारी जमीन, हमारे खेत खलिहान, सारी संपत्तियों का क्या हुआ? हमारे नाते रिश्तेदार सब एक एक कहाँ खो गए। मुझे याद है, निखिल के जन्म के कारण अपने मायके में थी मैं, जब आप एक रात छोटे से अभिषेक को गोद में लिए आए थे और रातों रात हमें लेकर दिल्ली चले गए थे। तब मैंने आपसे सवाल नहीं किया था, लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हमसे हमारा घर छूट गया, हमारे अपने छूट गए। सावित्री जी एक सांस में बोल गई। उनकी बात सुनकर सहसा यशपाल जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाते कदमों से किसी तरह पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। उनकी ये हालत देखकर सावित्री जी घबरा गई और तुरंत उनके लिए पानी ले आई। सुनिए जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों से आपकी ये हालत हो जाएगी, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं जानना, सावित्री जी ने रोते हुए कहा। यशपाल जी अब तक स्वयं को संभाल चुके थे। उन्होंने कहा, नहीं, सच जानना तुम्हारा हक है। सुनो, तुम्हारे मायके जाने के एक सप्ताह बाद राजा साहब ने हमारे गांव के लिए नया दीवान नियुक्त किया था। देखते ही देखते उस दीवान के जुल्म की हर इंतहा पार हो चुकी थी। मनमाने ढंग से कर लादना, जब जी चाहे किसी को भी कोड़ों से पिटवा देना, फसलों में आग लगा देना, ये सारे काम वो किया करता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ राजा साहब से शिकायत करने की योजना बनाई और उनसे मिलने के लिए वो चल पड़े। लेकिन दीवान के गुप्तचरों ने इस बात की जानकारी दीवान तक पहुंचा दी। दीवान ने उन्हें रास्ते से ही उठवा लिया और गांव के बीचों बीच जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद बहुत सारे लोग गांव छोड़कर चले गए। कहां गए कोई नहीं जानता। हम कुछ परिवारों को अपनी मिट्टी के मोह ने अभी भी गांव में रोक कर रखा था, लेकिन अब दीवान की नई कारस्थानियों ने बचे खुचे लोगों की हिम्मत भी तोड़ दी। उसका जब जी चाहता गांव की किसी भी स्त्री को, किसी भी लड़की को, यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों को भी अपनी अय्याशियों के लिए वो उठवाने लगा। जो भी उसे रोकने की, उससे लड़ने की कोशिश करता, उसे वो बहुत बुरी मौत मारता। राजा साहब भी उसके भय से
उसे कुछ भी नहीं कहते। एक तरह से राज परिवार भी दीवान का गुलाम ही बन चुका था। अभिषेक के माता पिता भी ऐसे ही एक दिन उस पापी का शिकार हो गए थे। अब बचे खुचे लोगों की हिम्मत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, इसलिए जिससे जितना समेटा जा सका अपनी जमा पूंजी को समेटकर अलग अलग रास्तों पर निकल गया। व्यापार के सिलसिले में बाहर जाने पर एक दिन मुझे अपना एक पड़ोसी मिला। उसने बताया कि गांव खाली होने के कुछ दिनों के बाद गांव का एक व्यक्ति अपने एक साथी को लेकर चोरी छुपे अपनी कुछ संपत्ति लेने गांव गया था, लेकिन दीवान ने उसे भी अपने जुल्म का शिकार बना दिया। उसका साथी भी पूरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन किसी तरह वहां से भाग आने में वो सफल हो गया। धीरे धीरे सारा गांव खंडहर हो चुका था। दीवान के द्वारा जुल्म के शिकार लोगों की आत्मा ने प्रेतों के रूप में उस गांव में अपना डेरा डाल दिया। इसलिए मैंने कभी तुम लोगों के आगे अपने गांव का जिक्र नहीं किया। अभी निखिल और अभिषेक जिस गांव की तरफ गए हैं ना, उसके रास्ते में हमारा गांव कुलधरा का भी रास्ता पड़ता है। इसलिए मैं इतना बेचैन हो रहा हूँ। बस जल्दी से मेरे बच्चे सही सलामत लौट आए। यशपाल जी की बात सुनकर सावित्री जी तो मानो अपने होश ही खो बैठी थी। उनकी बेचैन आंखें अब रास्ते पर से हट ही नहीं रही थी। उधर अभिषेक और निखिल जब कुलधरा गांव के चौराहे के पास से गुजरे तो अचानक ही उनकी गाड़ी अपना संतुलन खोकर कुलधरा की सीमा में प्रवेश कर गई। अभी अभिषेक और निखिल इस तरह गाड़ी के अपने आप चलने के बारे में कुछ सोच समझ पाते कि तभी उनकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जिस पर गांव का नाम लिखा हुआ था। उसे देखकर उनके होश ही उड़ गए। कुलधरा के भूतिया रहस्यों के अनेक किस्से उन्होंने भी सुने थे। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी जानकारी में तो इस गांव से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। तभी एक झटके के साथ उनकी गाड़ी एक टूटे फूटे खंडहर हो चुके मंदिर के आगे रुक गई और उनके कानों में एक आवाज आई, जल्दी से तुम दोनों मंदिर के अंदर चले आओ। इस आवाज को सुनकर उन्होंने मंदिर में जाना ही उचित समझा। जैसे ही वो दोनों मंदिर में पहुंचे, उनकी गाड़ी उनकी नजरों के सामने देखते ही देखते जमीन के अंदर समा गई। इस नजारे को वो देख ही रहे थे कि तभी आंधी का एक तेज झोंका आया और सारा आसमान धूल भरी आंधी से ढक गया। देखते ही देखते मंदिर के कपाट स्वयमेव बंद हो गए। मंदिर में खूब अंधेरा छा गया। अभिषेक और निखिल ने कसकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया था। निखिल ने किसी तरह हिम्मत जुकराकर पूछा, कोई है यहाँ? कौन है जिसने अभी हमें आवाज दी थी? तभी वहां एक कोने में रखा हुआ छोटा सा दीपक प्रज्वलित हो उठा। दीपक के प्रकाश में उन्होंने देखा जगह जगह मंदिर की दीवारों पर कुछ जवान तो कुछ वृद्ध स्त्री पुरुष चिपके हुए थे। ये दृश्य देखकर अभिषेक और निखिल की घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई। तभी उनमें से एक स्त्री बोली, डरो मत बच्चों, हम सब तुम्हारे अपने हैं, मैं अभिषेक की माँ हूँ। और एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए वो बोली, देखो वो अभिषेक के पिता है। मेरी माँ, मेरे पिता, लेकिन यहाँ इस गांव में और इस स्थिति में? जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों की तो मौत हो चुकी थी ना? अभिषेक ने संशय भरी नजरों से उन्हें देखते हुए कहा। एक वृद्ध ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हें सही पता है, तुम्हारे माता पिता ही नहीं, यहाँ जिन लोगों को भी तुम देख रहे हो ना, वो सब मर चुके हैं। और फिर उन्होंने संक्षेप में अभिषेक और निखिल को दीवान के जुल्मों की सारी दास्तां कह सुनाई। इसे सुनकर उन दोनों के दिल जोरों से धड़कने लगे।
तो फिर अब आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? निखिल ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। अभिषेक के पिताजी बोले, बेटे, हमारी असमय मृत्यु के कारण हम सबकी आत्माएं इस गांव में भटक रही थी, लेकिन हम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। यहां तक कि दुष्ट दीवान और उसके आदमियों को भी नहीं। फिर एक दिन उस दीवान ने शैतान की आराधना शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप उसे हमारे अस्तित्व का भान हो गया। अपनी शक्तियों से उसने हम सबको बंदी बना डाला। गांव के सभी लोग अपने रुपए पैसे जेवर आदि जमीन के नीचे गाड़ कर रखते थे, लेकिन दीवान को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। गांव से भागते हुए कुछ लोग जल्दबाजी में अपनी संपत्ति यहाँ छोड़ गए थे। एक दिन गांव छोड़कर गया हुआ एक व्यक्ति जब अपनी भूमि में दबी अपनी संपत्ति लेने यहाँ पहुंचा, तब दीवान को इस बात की खबर लगी। उस व्यक्ति ने जैसे ही अपनी संपत्ति निकाली, दीवान ने उसे मरवा दिया और उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। इसके बाद उसके आदमियों ने संपत्ति की खोज में गांव के सारे घरों को खोज दिया, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। अभिषेक ने बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन जब सब कुछ जमीन के अंदर था तो कैसे कुछ नहीं मिला? वो इसलिए क्योंकि गांव का प्रत्येक आदमी अपनी जमा पूंजी भूमि देवी को सौंपते वक्त एक खास मंत्र के साथ उनकी पूजा करते हुए प्रार्थना करता था कि वो उनकी संपत्ति सिर्फ उनके उत्तराधिकारी को ही दे। यही वजह है कि पूरा गांव खोज देने के बावजूद भी दीवान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। शैतानी शक्तियों के प्रभाव से दीवान ने अपनी उम्र तो रोक ली, लेकिन उसके लिए काम करने वाले उसके सभी विश्वास पात्रों की एक एक करके मौत हो गई, और वो बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी आत्माओं को अपने वश नहीं कर पाया। तब उसने हम सब पर अपना जुल्म ढाना शुरू कर दिया और हमें मजबूर किया कि हम भूले भटके यहाँ आने वाले लोगों का उसके लिए शिकार करें, और अगर उनमें से कोई इस गांव का हो तो उसकी संपत्ति हासिल करने में भी उसकी मदद करें, क्योंकि स्वयं वो ज़्यादातर वक्त और शक्तियां हासिल करने के लिए साधना में लगता। कुछ दिनों तक लोगों के यहाँ आने का सिलसिला चलता रहा, फिर धीरे धीरे हमारा ये पवित्र गांव, हमारी जन्मभूमि जो कभी अपनी महान कला अपनी समृद्धि के लिए जानी जाती थी, उसकी पहचान भूतिया गांव के रूप में होने लगी। क्या आप सबने हमें भी यहाँ दीवान के लिए हमारी संपत्ति हासिल करके हमें मारने के लिए बुलाया है? निखिल के स्वर में अब घबराहट झलक रही थी। अभिषेक की माँ ने स्नेह भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे, हमने यहाँ तुम दोनों को हम सबकी और इस गांव की मुक्ति के लिए बुलाया है। बच्चे, मुक्ति? हम कैसे आपको आपको मुक्ति दे सकते हैं? अभिषेक और निखिल ने एक ही स्वर में पूछा। तभी उन आत्माओं में से सबसे वृद्ध आत्मा ने कहा, दरअसल जब गांव में लोगों का आना बंद हो गया, तब वो दुष्ट दीवान शैतान की एक विशेष पूजा में लग गया, जिसकी अवधि 12 वर्ष की थी। इस साधना के पूरा होते ही वो इस गांव से जुड़े सभी लोगों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, यहाँ बुला सकता है और उनके संपत्ति और उनके प्राण लेकर अपनी शक्तियों में और इजाफा कर सकता है। चूंकि अभी उसे हमारी ज़रूरत नहीं थी
तो उसने हम सब को इस मंदिर में कैद करके छोड़ दिया। जब हम आश्वस्त हो गए कि उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तब हमने भी अपने ईश्वर की आराधना शुरू कर दी। इस मंदिर की शक्ति, जो दीवान के अपवित्र कार्यों की वजह से लगभग शून्य हो गई थी, हमारी पूजा से फिर जागृत हो गई। उस शक्ति ने हमें बताया कि जब इस गांव का कोई भी बालक दीवान की साधना पूर्ण होने से पहले अपने 21वें वर्ष में प्रवेश करके यहाँ आएगा, तब वही हमें दीवान की गुलामी से और इस गांव को दीवान से मुक्त करेगा। तब से हम एक ऐसे बालक के आने का इंतजार कर रहे थे। आज जैसे ही तुम इस गांव के पास से गुजरे, उस पवित्र शक्ति ने हमें आभास करवा दिया और हम तुम्हें यहाँ ले आए। कल उस दीवान की साधना के 12 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और अभिषेक भी 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हालांकि उसका सामना करना आसान नहीं, फिर भी अगर उस पवित्र शक्ति ने हमें तुम तक पहुंचाया है, तो हमें भरोसा है तुम उसे उसके खतरनाक इरादों को जरूर रोक पाओगे। ये सुनकर निखिल ने अभिषेक की तरफ देखते हुए कहा, हमारे पूर्वजों और हमारी मातृभूमि के प्रति हम अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। मैं हर वक्त अभिषेक के साथ रहकर उसकी मदद करूंगा। आप बस इतना बताएं कि उस दुष्ट को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। अभिषेक भी निखिल की बात से सहमत था। उनके दृढ़ निश्चय को देखकर सारी आत्माएं प्रसन्न हुई। तभी सबसे वृद्ध आत्मा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्रों का जाप करने लगी। कुछ ही देर के बाद जब उनकी आंखें खुली, तब उनमें खुशी की चमक स्पष्ट झलक रही थी। सबके पूछने पर उन्होंने बताया कि नई साधना और नई सिद्धियों को हासिल करने के लिए दीवान ने अपने 3 शक्तियों को छोड़कर बाकी शक्तियों को एक कटार के रूप में अपने साधना स्थल के बाहर छुपा दिया है। इसलिए इस वक्त अगर कोई उसका सामना करने आए, तो दीवान उस पर बस 3 ही बार हमला कर सकता है। लेकिन उसका खात्मा उसकी शक्तियों को समाहित किए हुए उस कटार से ही हो सकता है। ये समझने के बाद अभिषेक ने जोश में कहा, ये तो बड़ी राहत की बात है हमारे लिए, हम इसी वक्त उसके पास जाएंगे। वृद्धा आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, उस तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है मेरे बच्चों, और ना उसकी 3 शक्तियों से बच पाना। हम किसी भी मुश्किल का सामना करेंगे, पर उस तक जरूर पहुंचेंगे। ये आवाज निखिल की थी। तब वृद्ध आत्मा ने एक कोने में रखे हुए फावड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस फावड़े को उठाओ और मंदिर के ठीक पीछे बीचों बीच गड्ढा करो। यहां से कभी पवित्र कुलधरा नदी का उद्गम हुआ करता था, जो पाप कर्मों के बढ़ने के कारण विलुप्त हो गई, और अब उसे तुम दोनों ही वापस ला सकते हो। उस नदी के जल को प्राप्त करके तुम जैसे जैसे जमीन पर छींटे मारते जाओगे, वो तुम्हें दीवान के गुप्त साधना स्थल तक जाने का मार्ग बताती जाएगी, साथ ही छिपे हुए कटार तक भी पहुंचा देगी। उनकी बात सुनकर निखिल और अभिषेक ने बारी बारी से तुरंत फावड़ा लेकर वहां खुदाई शुरू कर दी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद कलकल करती नदी की धारा उनके सामने थी। उन्होंने पवित्र नदी को प्रणाम किया और अपनी मदद की प्रार्थना करते हुए उसका जल एक एक कमंडल में भर लिया।
तत्पश्चात अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर वो दीवान की खोज में चल दिए। नदी का जल उनका मार्गदर्शन कर रहा था। गांव के बीचों बीच घने पेड़ों का एक झुरमुट था। निखिल और अभिषेक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब नदी का जल उस झुरमुट की तरफ संकेत देने लगा। फावड़े की मदद से वो झुरमुटों के बीच रास्ता बनाते हुए अंदर प्रवेश कर गए। वहां पेड़ों के बीच घिरी हुई एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें यज्ञ वेदी के सामने वो दीवान बैठा था। घनी दाढ़ी से ढका हुआ उसका चेहरा बहुत विकराल प्रतीत हो रहा था, जिसे देखकर एक बार की अभिषेक और निखिल बहुत डर गए। फिर किसी तरह दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को हिम्मत बांधी। निखिल ने इशारे से अभिषेक को कुछ समझाया, जिसके बाद अभिषेक बाहर चला गया। निखिल ने दीवान को यज्ञ स्थली से उठने पर विवश करने के लिए वहां रखी पूजन सामग्री को एक एक करके उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। दीवान समझ गया था कि ये लड़का उसकी साधना पूर्ण होने से रोकना चाहता है, इसलिए निखिल के परेशान करने पर भी वो अपनी जगह से हिला नहीं। लेकिन जब निखिल ने कमंडल का जल यज्ञ वेदी पर डाल दिया, उसकी अग्नि को बुझा दिया, तब दीवान को मजबूरन उठना ही पड़ा। उसने गुस्से में जलती हुई आंखों से निखिल को देखा और उसको मारने के लिए उसकी तरफ झपटा। निखिल ने अपना बचाव किया और फुर्ते से कुटिया के बाहर आ गया। दीवान भी उसके पीछे पीछे आ गया, जहां अब तक अभिषेक कुटिया के पास छिपे कटार को ढूंढ चुका था। दीवान को देखते ही उसने कटार उस पर फेंकी, लेकिन अफसोस, उसका निशाना चूक गया। इस अकस्मात हमले से दीवान जब तक संभल पाता, तब तक निखिल कटार को उठा चुका था। लेकिन जब तक वो कटार अभिषेक की तरफ बढ़ा था, दीवान ने उन पर आसमानी बिजलियों की बारिश कर दी। कड़कड़ाती हुई बिजलियों की खौफनाक आवाज से सारा वातावरण गूंज उठा। जैसे तैसे पेड़ों की आड़ में छुपकर निखिल और अभिषेक ने स्वयं को बचाया। देखते ही देखते दीवान की आंखों से निकलती हुई चिंगारी ने वहां मौजूद सभी पेड़ों को जलाना शुरू कर दिया। लेकिन कुलधरा नदी के जल के स्पर्श से निखिल और अभिषेक को अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पाई। ये देखकर दीवान भी चौंक गया। इस बार उसने उन दोनों पर धूल भरी आंधी का वार किया, लेकिन तभी मंदिर के केंद्र से बहती हुई कुलधरा नदी की धारा ने वहां आकर उस आंधी को अपने में समेट लिया। ये देखकर निखिल और अभिषेक को हिम्मत मिली। वो समझ गए कि पवित्र शक्ति अब उनके साथ है। दीवान की बची हुई शक्तियां भी समाप्त हो चुकी थी और मंदिर की सीमा में स्वयं उसने जिन आत्माओं को कैद किया था, उन्हें भी वो अपनी मदद के लिए नहीं बुला सकता था। स्वयं को संभालते हुए बिना किसी गलती के निखिल ने कुछ दूर पर खड़े अभिषेक की दिशा में कटार को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। इससे पहले कि दीवान कुछ सोचता, अभिषेक ने बिना चूके कटार उसकी छाती में फोंक दी। दीवान की मृत्यु होते ही वहां मौजूद उसकी कुटिया भी हवा हो गई। निखिल और अभिषेक एक दूसरे के गले लग गए। दोनों जब मंदिर पहुंचे, तब वहां दीवारों पर कैद आत्माएं मुक्त होकर अपने अपने दिव्य स्वरूप में आ चुकी थी। उन्होंने निखिल और अभिषेक दोनों को ही आशीर्वाद दिया। अभिषेक अपने माता पिता को देखकर बहुत भावुक था, लेकिन अब उनकी मुक्ति का वक्त आ चुका था। जमीन में गायब हुई निखिल और अभिषेक की गाड़ी उन्हें वापस सौंप कर सभी आत्माएं ज्योति पुंज में परावर्तित होकर आसमान में विलीन हो गई। अपने गांव और पूर्वजों को श्राप मुक्त करके निखिल और अभिषेक अपने घर की तरफ चल दिए। वहां घर पर यशपाल जी और सावित्री जी दोनों बच्चों की चिंता में एक पल भी सोए नहीं थे। एक टक उनकी नजरें दरवाजे पर ही लगी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस अनजान जगह में उन दोनों को ढूंढे भी तो कहां ढूंढे। पुलिस भी 24 घंटे के पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने से मना कर चुकी थी।
ऐसे में इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। एक शाम के गए अगले शाम उन दोनों को सकुशल वापस आता देख यशपाल जी और सावित्री जी बहुत खुश हो गए। उन्हें गले लगाते हुए दोनों भगवान का कोटि कोटि आभार व्यक्त कर रहे थे कि उनकी सारी आशंकाएं गलत साबित हुई। अभिषेक और निखिल से कुलधरा में घटित हुई सारी घटना का वृत्तांत सुनकर सहसा उन दोनों को भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके दोनों बच्चे इतनी बड़ी मुश्किल से लड़कर आए हैं। निखिल और अभिषेक के कहने पर अगले ही दिन यशपाल जी और सावित्री जी बरसों बाद अपने गांव लौटे। पवित्र कुलधरा नदी को एक बार फिर से अपने गांव में प्रवाहित होते देखकर उनकी खुशी और आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो समझ गए कि अब सचमुच इस गांव से सारी मनहूसियत खत्म हो चुकी है। उन्होंने तय किया कि वापस जाकर अखबारों के जरिए सारी दुनिया में फैले अपने गांव के निवासियों तक वो इस शुभ समाचार को पहुंचाएंगे। जैसे जैसे गांव के पुराने निवासियों तक दीवान और उसकी बुरी शक्तियों के खात्मे की खबर पहुंचती है, सब अपने गांव लौटने लगे। खंडहर हो चुका गांव अपने दो साहसी बच्चों के साहस की बदौलत एक बार फिर से आबाद हो चुका था।